आईआईटी में नहीं सिलेक्ट हुए, एनआईटीज में नहीं सिलेक्ट हुए, स्ट्रीम ही चेंज कर दी, बट वो जहां पे भी गए लाइफ में उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने धमाका किया, क्योंकि उनकी मेहनत करने की आदत बन गई थी। इन सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके जेई के पेपर शायद अभी अच्छे ना हुए हो, जो बच्चे वीडियोस मेरे देखते हैं ना, तुम लूजर के अंदर भी विनर हो, क्योंकि तुमने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारा। क्लास टेंथ की जो भी खुमारी थी, जो भी तुमने आलसपना दिखाया है, जो प्यार से तुम कुची मुची करके पढ़ाई कर रहे थे, वो समय गया, जो बीत गया वही सबसे अच्छा टाइम था। अब आया है मेहनत करने का समय। ये 2 साल की जर्नी है, ये आईआईटी की तैयारी नहीं है, ये नीट की तैयारी नहीं है, ये लाइफ में मेहनत कैसे करते हैं उस चीज की तैयारी है। इन 2 साल की जर्नी में आप ये सीखोगे कि मेहनत कैसे की जाती है, किसी टारगेट के पीछे कैसे चेज किया जाता है। डेफिनेट सी बात है, कुछ बच्चे सक्सेसफुल होंगे, कुछ बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे, कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता, ये बात समझो। जो सेलेक्ट हुआ वो भी सक्सेसफुल, जो सेलेक्ट नहीं हुआ है वो भी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है मेहनत करना, उसने सीख लिया है गोल को चेज करना, वरना कई बच्चे ये चीज कभी नहीं सीख पाते। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने आईआईटी जेई की तैयारी कोटा जाके की, मैं कोटा की बुराई नहीं कर रहा, और सेलेक्ट नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा कोटा बुरा है, मैं बता रहा हूं अच्छा ही, वो सेलेक्ट नहीं हो पाए कॉम्पिटिशन में, आईआईटी में नहीं सेलेक्ट हुए, एनआईटीज में नहीं सेलेक्ट हुए, स्ट्रीम ही चेंज कर दी, बट वो जहां पे भी गए लाइफ में उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने धमाका किया, क्योंकि उनकी मेहनत करने की आदत बन गई। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी किसी आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं किसी एनआईटी में, अब ये कहानी फिर कभी, कि एनआईटी की क्या कहानी थी मेरी, तो सेलेक्ट हुआ था तो, बट आप देखो ना कि मैंने किसी आईआईटी गया ना किसी एनआईटी गया, बट वी मेड इट बिकॉज, क्योंकि हम लोग तैयारी के टाइम पे हम लोग ने एक बार मेहनत की है। तो ये 11th 12th वो चीज है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अगर आपने सच में ड्रीम को चेस किया तो आप लाइफ में ड्रीम चेस करना, गोल चेस करना सीख जाओगे। सो ये साल होगा आपका बहुत ही क्रूशियल ईयर। अगर आप अपने सीनियर से बात करो तो सबसे ज्यादा मिस्टेक बच्चे क्लास 11th में करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो क्लास 11th को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली, और अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं 12th में आके, एक साल पूरा वेस्ट करते हैं। सो क्लास 11th बहुत क्रूशियल है। अगर आपको एक्चुअल में वॉरियर बनना है तो क्लास 11th में जागना होगा, और क्लास 11th में जाकर अर्जुन बनकर सामने आना होगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब अर्जुन बड़ा हो चुका हो, नेक्स्ट ईयर जब अर्जुन क्लास 12th में हो, तो अपने लक्ष्य को साधने के लिए तैयार बैठा हो। टीचर्स वही हैं, कंटेंट वही है, तो कमी कहां हो सकती है? कमी आपकी तरफ से हो सकती है, वो कमी आपको नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता कि बैच ज्वाइन करने से आप सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं, और मैं ये भी नहीं कहता कि बैच ना ज्वाइन करने से आप सेलेक्ट नहीं होंगे। मैं आज साफ साफ ये बात कहता हूं, सारी कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट है, ये सबके अगेंस्ट है, पूरे बिजनेस के अगेंस्ट है, बट 80% ऑफ सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन यू बच्चा, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर ट्रू मोटिवेशन। सच में चाहिए या सच में नहीं चाहिए, यही आपको खुद से सवाल पूछना है, और उसके बाद इस दलदल में कूदना है, वरना तैयारी मत करो, वरना तैयारी मत करो, हाफ हार्टेड प्रिपरेशन मत करो। दिल टूटेगा बाद में, बुरा लगेगा, लाइफ भर अजीब सा हो जाएगा, अजीब हो जाती है, इसके बाद अगले 2-3 साल अजीब से बीतेंगे। तो अगर तुम सच में, तुम्हें पता है कि तुम्हें यही चीज चाहिए, देन चेज इट, अदरवाइज डोंट चेज इट। देखो ये सब बताने में बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट इसको फॉलो करना बेटा लगातार 2 साल, ये होगी असली बात, ये होता है कमिटमेंट। ये कमिटमेंट तुमको आज खुद से करना पड़ेगा, बड़ा कमिटमेंट है। तुमको आज अपनी डायरी खोल के उसमें ये बात लिखनी पड़ेगी कि मैंने आज जितनी बातें अलग सर ने कही है वो मैं 2 साल फॉलो करूंगा। उसके बाद इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड आफ्टर फॉलोइंग एवरीथिंग दैट आई हैव सेड, उसके बाद कोई बात नहीं, जीवन में तुम बहुत सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, बात समझे? तो यही मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी अगर सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या बेटा, उसके बाद ना तुमने सीख लिया है, तुम अर्जुन बन गए हो, तुमने गोल चेस करना सीख लिया है ना, तुम लूजर के अंदर भी विनर हो, क्योंकि तुमने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट मारा है। तो ऑनेस्ट अटेम्प्ट बहुत जरूरी है। सारे बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनके जेई के पेपर शायद अभी अच्छे ना हुए हो, जो बच्चे वीडियोस मेरे देखते हैं उनके लिए भी ये बात कह रहा था मैं, बट चांसेस बहुत कम है कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूं सब फॉलो करके तुम सेलेक्ट ना हो, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं। सारी बातें फॉलो करना डिफिकल्ट है। पता नहीं आपने अभी तक अपनी 11 की किताब देखी है कि नहीं, अगर देखी होगी तो आपको फील हो गया होगा कि यहां से भाई साहब मामला गंभीर होने वाला है जिंदगी में पढ़ाई का, है ना। सो और अगर आपने साइंस ले ली है तो
ऑल द बेस्ट, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, परेशान नहीं हो। कॉन्सेप्ट से पढ़ाई करना, कॉन्सेप्ट से चलना, डेडिकेटेड रहना, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। वरना 11th में बहुत गलती है, इस वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने 12th वाले सीनियर से पूछना कि 11th में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो आई होप आप वो मिस्टेक ना करें।